Question number 21. The artist who is particularly known for his representation of mythological characters of Indian epic is. इस क्वेश्चन का मीनिंग है वह आर्टिस्ट जो सुपरिचित है भारतीय महाकाव्यों के पात्रों पर आधारित चित्रण करने के लिए. ए नंदलाल बोस, बी विनोद बिहारी मुखर्जी, सी राजा रवि वर्मा, डी अभिनंद्रनाथ टैगोर. एंड द करेक्ट आंसर इज सी राजा रवि वर्मा. राजा रवि वर्मा भारत के विख्यात चित्रकार थे. उन्होंने भारतीय साहित्य और संस्कृति के पात्रों का चित्रण किया. उनके चित्रों की सबसे बड़ी विशेषता हिंदू महाकाव्य और धर्म ग्रंथों पर बनाए गए चित्र है. हिंदू मिथकों का बहुत ही प्रभावशाली इस्तेमाल उन्होंने अपने चित्रों में किया. वडोदरा गुजरात स्थित लक्ष्मी विलास महल के संग्रहालय में उनके चित्रों का बहुत बड़ा संग्रह है. क्वेश्चन नंबर 22. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद फाइन आर्ट्स. निम्न में से क्या ललित कला से संबंधित नहीं है. ए पेंटिंग, बी स्कल्पचर, सी प्रिंट मेकिंग, डी क्राफ्ट. And the right answer is D. Craft. Question number 23. Dandi March is a renowned sculpture of. Dandi March, यह विख्यात शिल्प किसने बनाया? Options है A. D. B. Roy Choudhury, B. Ram Kinkar Baij, C. Rodin, D. Subodh Gupta. And the correct answer is A. D. B. Roy Choudhury. यही क्वेश्चन लास्ट ईयर के AMU के एंट्रेंस एग्जाम में भी आया था. जो यूनिवर्सिटी की तरफ से आंसर शीट बाद में जारी की गई उसमें राम किंकर बैज बताया गया है. जो यूनिवर्सिटी ने बताया वो आंसर गलत है. ऑप्शन ए जो डी बी राय चौधरी है उसकी स्पेलिंग भी मिस्टेक है. देवी प्रसाद रॉय चौधरी वॉज एन इंडियन स्कल्पचर, पेंटर एंड फाउंडर चेयरमैन ऑफ द ललित कला अकेडमी. इन्हें सन 1958 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था. ही इज नोन फॉर लार्ज साइज आउटडोर स्कल्पचर्स सच एज ट्रायंफ ऑफ लेबर एंड द स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी बोथ एट मरीना बीच चेन्नई, मार्टियर्स मेमोरियल इन पटना, डांडी मार्च स्टैचू इन दिल्ली. क्वेश्चन नंबर 24. हाउ समथिंग फील्स टू द सेंस ऑफ टच इज एसोसिएटेड विद. निम्न में से स्पर्श संवेदना से क्या संबंधित है. ए लाइन, बी कलर, सी फॉर्म, डी टेक्सचर. और इसका सही आंसर है डी टेक्सचर. टेक्सचर ही है जो हम टच करके जान सकते हैं. आंखों से देख के हम लाइन कलर और फॉर्म बता सकते हैं, पर टेक्सचर जो है वो हम स्पर्श करके बता सकते हैं या फील कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 25. The place where Buddha attained enlightenment is. गौतम बुद्ध को किस स्थान पर बुद्धत्व की प्राप्ति हुई. ए सारनाथ, बी बोधगया, सी कुशीनार, डी सांची. और इसका सही जवाब है बी बोधगया. क्वेश्चन नंबर 26. द नॉवल द विंसी कोड इज रिटन बाय. द विंसी कोड यह उपन्यास किसने लिखा. ए एरिक गिल, बी डेविड ओगिलवी, सी डैन ब्राउन, डी एंटोनी. एंड द करेक्ट आंसर इज सी डैन ब्राउन. क्वेश्चन नंबर 27. राइटिंग्स और ड्राइंग्स मेड ऑन ए वॉल और एनी अदर सर्फेसिस यूजुअली विदाउट परमिशन एंड विद इन पब्लिक व्यू इज कॉल्ड. दीवार या तत्सम अन्य पृष्ठ भागों पर बिना अनुमति से बिना इजाजत लोगों को दिखे ऐसा किया गया लेखन या चित्रकारिता. ऑप्शन है ए म्यूरल, बी फ्रेस्को, सी डूडलिंग, डी ग्राफिटी. और इसका सही जवाब है डी ग्राफिटी. क्वेश्चन नंबर 28. द यूटिलाइजेशन ऑफ असॉर्टेड प्रिंटिंग पेपर व्हिच इज देन अल्टर्ड एंड रीअरेंज्ड बाय कटिंग शेपिंग एंड देन ग्लूइंग टू कंस्ट्रक्ट समथिंग. जिसका हिंदी में मीनिंग होगा चयनित मुद्रण कागजों को काटकर आकार देकर या चिपका कर पुनर्व्यवस्थित करके पुनर्निर्माण के लिए उनका किया गया उपयोग. ऑप्शंस है ए एचिंग, बी रिलीफ, सी कोलाज, डी पेंटिंग. एंड द करेक्ट आंसर इज सी कोलाज. क्वेश्चन नंबर 29. Are that primarily utilitarian and decorative rather than purely aesthetic is. ऐसी कला जो मूलतः सजावट और उपयोगिता के लिए की जाती है. Options are A. Abstract art, B. Classical art, C. Secular art,
D. Folk art. And the correct answer is D. Folk art. Question number 30. Lithography is the process of lithography. Kiski karya vidhi hai? A. Surface art. B. Printmaking. C. Painting. D. Kinetic art. And the correct answer is B. Printmaking. Lithography was invented in 1796 by German author and actor Alois Senefelder as a cheap method of publishing theatrical work. Lithography can be used to print text or artwork onto paper or other suitable material. Question number 31. The film The Theory of Everything is based on the life of The Theory of Everything. यह चलचित्र किसके जीवन पर आधारित है? A. Napoleon. B. Alexander the Great. C. Stephen Hawking. D. Albert Einstein. And the correct answer is C. Stephen Hawking. Question number 32. E.B. Havel is associated with E.B. Havel संबंधित है A. Company School. B. Bengal School. C. Madras School. D. Baroda School. And the correct answer is B. Bengal School. He was the principal of the Government School of Art, Calcutta, from 1896 to 1905, where along with Abhinandranath Tagore, he developed a style of art and art education based on Indian rather than Western models, which led to the foundation of the Bengal School of Art. Question number 33. Gouache technique is A. Transparent. B. Opaque. C. Done with clay. D. With oil color. And the correct answer is B. Opaque. Gouache painting technique is which a gum or an opaque white pigment is based to watercolor to produce opacity. In watercolor, the tiny particles of pigment become enmeshed in the fiber of the paper. In gouache, color lies on the surface of the paper, forming a continuous layer or coating. Question number 34. Bundi is located in the region of A. Hadoti. B. Chamba. C. Dilwara. D. Jaipur. The correct answer is A. Hadoti. Bundi is a town in the Hadoti region of Rajasthan state in northwest India. Question number 35. Ajanta caves are famous for A. Temples. B. Terracotta. C. Wall paintings. D. None of the above. So correct answer is C. Wall paintings. Question number 36. Rabindranath Tagore's painting reveal a strong sense of A. Realism. B. Narrowness. C. Rhythm. D. Communalism. And the correct answer is C. Rhythm. Question number 37. Poster design is related to the field of A. Pictorial art. B. Graphic art. C. Commercial art. D. Architectural art. Correct answer is C. Commercial art. Question number 38. The copper dog from Harappa civilization is in A. Lothal. B. Raigarh. C. Sindh. D. Sumer. And the correct answer is A. Lothal. Question number 39. The crossed bison was created in A. Bhimbetika cave. B. Altamira cave. C. Lascaux cave. D. Bagh cave. So the correct answer is C. Lascaux cave. Question number 40. A Tale of Three Cities, Meenakshi, is the notable film of A. Anupam Sood. B. M.F. Hussain. C. Ramchandran. D. Gogi Saroj Pal. And the correct answer is B. M.F. Hussain. Meenakshi, A Tale of Three Cities, is a 2004 Hindi film directed by M.F. Hussain and starring Tabu, Kunal Kapoor and Raghuveer Yadav.